हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई करी थी। क्या जी, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे DPIIT, एक बॉडी थी किसके लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और फॉरेन ट्रेड को देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी इंडिया में, वो क्या थी, DPIIT। और हमने क्या देखा था, FDI इन इंडिया, ये भी हमने देखा था। तो आज के हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है FDI इंडिया के लिए, वो क्या पॉलिसी है जी, आइए देखते हैं। तो बुक में देखने से पहले नोट्स में चलते हैं, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए, क्या कह रहा है जी FDI पॉलिसी, ये देखिए। हाँ जी, FDI पॉलिसी कहता है, देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि कुछ FDI सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये भी पढ़ा है हमने, कुछ था ऑटोमेटिक के थ्रू, कुछ था गवर्नमेंट के थ्रू और कुछ था दोनों। तो हमने अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि क्या हो सकता है जी, कुछ जो है FDI सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू हो सकता है। तो पहले जो इंडिया की FDI पॉलिसी थी उसमें क्या था, बांग्लादेश और पाकिस्तान नालायक देश दोनों हैं, उसके लिए क्या था जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ही सिर्फ रूल था कि किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही कर सकते हो और किसी नहीं। बोल रहा भाई साहब, वैसे तो भिखारी नंगा भूखा देश है, क्या करेगा इन्वेस्ट, लेकिन फिर भी उसके लिए रूल बना दिया था कि अगर तुम्हें कहीं इन्वेस्ट करना है इंडिया में भाई साहब, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही जाके आप क्या कर सकते हो, आप FDI कर सकते हो। लेकिन अब जो न्यू रूल आई है, जो नया रूल आया है, वो क्या कहता है, कहता है लेकिन अब जो न्यू FDI पॉलिसी आई है वो ये कहती है कि किसी देश की इकाई जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, या पहला क्या जी, किसी देश की इकाई जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, या बेनिफिशियल ऑनर ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में सिचुएटेड है, क्या बोल रहा है दूसरा, क्या बेनिफिशियल ऑनर ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में सिचुएटेड है, या थर्ड नंबर, या किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, तो भी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू आ सकता है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही FDI इन्वेस्ट कर सकता है। समझ में आई बात। हाँ जी, क्या क्या तीन रूल था जी, पहला पढ़िएगा, बोल रहा है क्या किसी देश की इकाई जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, या बेनिफिशियल ऑनर ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में सिचुएटेड है, या किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही FDI कर सकता है। अब आइए जी बुक में चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है बुक में, पढ़िए। कहता है According to the new FDI policy, an entity of a country which shares a land border with India or देखिए where the beneficial owner of investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government route। देखिए जी, यही तीनों की चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले करी है। क्या कह रहा है, कह रहा है a transfer of ownership in an FDI deal that benefits any country that shares a border with India will also need government approval। किसकी जरूरत है जी, government approval की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है investors from country not covered by the new policy only have to inform the RBI after the transaction rather than asking for prior permission from the relevant government department। जी बिल्कुल, कह रहा था earlier FDI policy was limited to allowing only Bangladesh and Pakistan by the government route in all sectors। पूरा पहले जो पॉलिसी भाई था उसमें दो ही देश थे नालायक, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान थे, जिसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही FDI अलाउड था, लेकिन द रिवाइज रूल हैज नाउ ब्रॉट कंपनीज फ्रॉम चाइना अंडर द गवर्नमेंट रूट फिल्टर। आप चाइना के साथ भी हो चुका या फिर किसी भी देश के साथ, जो तीन रूल्स है जो मैंने बताया उसके थ्रू आप क्या गवर्नमेंट रूल के थ्रू आप FDI कर सकते हो। अब देखो जी, ये रीसेंट ट्रेंड्स इन FDI इंडिया FDI पॉलिसी है, जो एकदम लेटेस्ट है वो डेटा है, इस डेटा को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट डेटा है, 21-22 का डेटा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या है। देखिएगा जी, कहता है टोटल FDI फ्लोस, कितना FDI इनफ्लो हुआ है इंडिया में ये बताया गया। कहता है इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल FDI $84.3835 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। 2021-22 में कितना लाया जी, 84.835 बिलियन, ओवरटेकिंग लास्ट ईयर FDI बाय USD $2.87 बिलियन।
अब देखिए जी टॉप फाइव रिसोर्सेस क्या बोल सॉरी टॉप फाइव सोर्सिंग नेशंस फॉर एफडीआई इक्विटी फ्लोज इनटू इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्या कि पांच ऐसे सोर्सिंग नेशंस जहां से इंडिया का इंडिया में एफडीआई आ रहा है। कब का डेटा है? 2021-22 का, मतलब लास्ट ईयर का है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सिर्फ सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है? सिंगापुर कितना परसेंट? 27.01%। दूसरा यूएसए कितना? 17.94%। तीसरा मॉरिशियस कितना? 15.98%। चौथा नीदरलैंड 7.86%। और लास्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड, ये 7.31% एफडीआई इंडिया में कर चुकी है। अब आइए जी कौन कौन से, ये तो अभी हमने पढ़ा क्या, ये देश इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडिया में एफडीआई। अब पांच ऐसे सेक्टर्स जिनको सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है 2021-22 में, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको भी पढ़िएगा। कह रहा है कौन सा? पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 24.6%। सर्विसेज सेक्टर इन द फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस नॉन फाइनेंस बिजनेस आउटसोर्सिंग आरएनडी करियर टेक टेस्टिंग एंड एनालिसिस एंड अदर्स कितना मिला है? 12.13% का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भाई साहब 11.89% आपका एफडीआई आया है और ट्रेडिंग कितने पे हुआ है? 7.72%। और लास्ट में है जी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज पे 5.52%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए जी अब इंडिया के पांच ऐसे स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, देखिए वो भी देखते हैं कौन कौन सा है जी। कह रहा है कर्नाटका कितना? 37.55% एफडीआई यहां आया है। महाराष्ट्र में 26.26% आया है। दिल्ली में 13.93% एफडीआई आया है। तमिलनाडु में 5.10 है यही है, और हरियाणा में 4.76%। ये टॉप फाइव इंडिया के स्टेट से जहां एफडीआई आया है। अब देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एफडीआई इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। देखिए क्या कह रहा है डेटा, कहता है इंडिया इज रैपिडली इमर्जिंग एज ए प्रेफर्ड कंट्री फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। FDI equity inflow in the manufacturing sectors have increased by 76% in the financial year 2021. बाप रे कितना बढ़ गया जी, 76%। देखो इतना increase हुआ है, ठीक है। USD कितना? 21.34 billion compared to the previous year USD 12.09 billion। देख रहे हो जी इंप्रूवमेंट, हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं सर। कहता है एज पर द अनकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 इन इट्स एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड्स इन एफडीआई इनफ्लोज इंडिया हैज इंप्रूव्ड वन पोजीशन टू द सेवेंथ रैंक अमंग द टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज इन 2021। बड़ा भाई था सातवां से पहला नंबर पे आ गया इंडिया, है ना, हाँ जी बिल्कुल। अब जी आइएगा नेक्स्ट जो है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई। देखिए हर एफडीआई के लिए और दोनों कंट्री के लिए कुछ कॉस्ट होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होता है, चाहे वो होम कंट्री हो चाहे वो होस्ट कंट्री हो। भैया क्या होता है होम एंड होस्ट कंट्री? होम कंट्री का मतलब होता है भाई साहब जहां से क्या हो रहा है एफडीआई आ रहा है, और होस्ट कंट्री क्या होता है जहां एफडीआई जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि यूएसए से अगर इंडिया में एफडीआई आ रहा है तो यूएसए क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा होम कंट्री और इंडिया हो जाएगा जी होम कंट्री होस्ट कंट्री। देखिएगा दोनों के लिए बेनिफिट क्या क्या है, बोल रहा है एफडीआई हैज इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू, दोनों चीज होता है भाई, इसका कॉस्ट भी और बेनिफिट भी है। कहता है टू द होम कंट्री एज वेल एज द होस्ट कंट्री, दोनों के लिए। नाउ वी शैल डिस्कस द कॉस्ट एंड बेनिफिट टू एफडीआई इन टू होम कंट्री। आइए जी पहले होम कंट्री के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं। आइए जी क्या कह रहा है, कह रहा है पहला बेनिफिट कह रहा है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, ये सब बोल रहा है भाई साहब होम कंट्री में क्या यहाँ का जो चीज है इंटरेस्ट और डिविडेंड कहाँ चलेगा यूएस, तो वो क्या है ये इसके लिए बेनिफिट है। कह रहा है निसान प्रॉफिट्स रिपेट्रिएटेड टू जापान फ्रॉम इट्स एफडीआई इन यूके, दे हेल्प जापान फॉर द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या किया जी हेल्प, कौन किया जी यूके हेल्प किया है ना। कहता है एफडीआई इंक्रीजेज एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द होम कंट्री टू होस्ट कंट्री, दिस इन टर्न एनहांसेस द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द होम कंट्री। क्या बोल रहा है, बोल रहा है होम कंट्री का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को क्या करता है ये भाई इनहेंस कर देता है। फिर क्या बेनिफिट है जी, कहता है इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द होम कंट्री इनहेंसेस एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज। अब देखो भाई साहब, जहां पे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो खुद ब खुद आएंगी ही। क्या कह रहा है, द फर्म एंड अदर होम कंट्री फर्म्स कैन लर्न स्किल फ्रॉम इट्स एक्सपोजर टू द होस्ट कंट्री एंड ट्रांसफर दो स्किल्स टू द इंडस्ट्री इन द होम कंट्री। बोल रहा भाई साहब, आप क्या कर सकते हो, आप होस्ट कंट्री को ट्रांसफर कर सकते हो और होम कंट्री से सारा चीज सीख सकते हो। अब आ जाइए, कह रहा है कॉस्ट टू होम कंट्री, आइए है ना, कह रहा है देयर आर कॉस्ट टू हो टू द होम कंट्री इन एडिशन टू बेनिफिट्स फ्रॉम FDI, सॉरी FDI नहीं है ये FDI, इसको कर लीजिएगा ठीक है ना। कह रहा है होम कंट्री इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट पोजिशन आर स्टेक व्हेन द फर्म्स इंटर फॉरेन मार्केट ड्यू टू द लो कॉस्ट लेबर, द US टेक्सटाइल्स मूव टू द सेंट्रल अमेरिका, दिस रिजल्टेड इन रिट्रेंचमेंट इन USA। बोल रहा भाई साहब, अगर आप क्या करते हो सेंट्रल अमेरिका, यूएस क्या किया, सेंट्रल अमेरिका में शिफ्ट कर गया, इस वजह से क्या हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, छटनी हो गई कहां, यूएसए में। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है करंट अकाउंट पोजीशन ऑफ द होम कंट्री सफर्स एज FDI इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आ जाइए, आप देखिए ये तो हो गया होम कंट्री खत्म, आप आ जाइए बेनिफिट्स टू होस्ट कंट्री। देखिए जी क्या होता है, कहता है रिसोर्सेज ट्रांसफर इफेक्ट, कहता है द रिसोर्सेज विच आर स्कार्स इन द होस्ट कंट्री आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दीज रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ दीज रिसोर्सेज डेवलप द होस्ट कंट्री इकोनॉमिकली एंड सोशली। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर ये सब चीज ट्रांसफर करते हैं रिसोर्सेज को तो होस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नहीं, कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन द इनकरिंग द FDI आफ्टर 99 टू डेवलप द इंडियन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। भाई साहब 1991 में क्या आई थी सर, LPG पॉलिसी आई थी, वहां ग्लोबलाइजेशन हुआ था और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या किया था गवर्नमेंट ने, FDI को बोला था आ जाओ आप बिजनेस कर लो हमारे देश में, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडियन इंडस्ट्री जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर क्या हुए, इंप्रूव हुए थे। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, क्या बोल रहा है भाई साहब, कहता था FDI कंट्रीब्यूट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस डायरेक्टली फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्दर FDI हेल्प फॉर द डेवलपिंग ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, दिस डेवलपमेंट इनवेरिएबली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ द होस्ट कंट्री। बोल रहा है भाई साहब अगर FDI आएगा इंडिया में तो इंडिया में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नहीं क्योंकि सारा मैन्युफैक्चरिंग यही होगा, तो यहाँ लोग अब थोड़ी बाहर से आएंगे यहाँ का काम देखने के लिए, यहीं के लोग होंगे जो काम करेंगे और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन इन द फॉरन एक्सचेंज रिसोर्सेस आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन ऑफ ए कंट्री, इंडिया फेस सेवियर फॉरन एक्सचेंज तो रिसोर्स क्रंच एंड देयर बाय अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन बिफोर द जुलाई 1991 से पहले भाई साहब BOP की हालत तो सच में खराब थी। अब क्या हुआ, कह रहा है इनफैक्ट दिस एडवर्स पोजिशन फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू अनाउंस द इकोनॉमिक लिबरेशन इन जुलाई 1991, और इस वजह से BOP कम हो जाने की वजह से या नेगेटिव हो जाने की वजह से क्या हुआ, एडवर्स सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या, लिबरलाइजेशन कब, जुलाई 1991 में। कहता है FDI प्रोवाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली एंड दिस इन टर्न रिड्यूस द इंपोर्ट एंड देयर बाय इंप्रूव द करंट अकाउंट पोजीशन ऑफ द होस्ट कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आइए जी अब क्या है, अब देखते हैं, कहता है फर्दर द फॉरेन कंपनीज एक्सपोर्ट गुड्स प्रोड्यूस इन द होस्ट कंट्री टू अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, दिस एक्टिविटी हेल्प्स टू होस्ट कंट्री टू हैव फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। बोलता है ये सब एक्टिविटीज जो कर रहे हैं भाई साहब इसमें क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल निशान इस्टेब्लिश इट्स प्लांट्स इन UK एंड एक्सपोर्ट 80% ऑफ द ऑटोमोबाइल्स टू द अदर कंट्रीज एंड इम्प्रूव्ड ब्रिटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोला भाई साहब निशान क्या किया, UK में अपने प्लान को एस्टेब्लिश किया और वहां से 80% ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट किया पूरे देश में, सॉरी पूरे विदेश में, और फिर उससे क्या होगा, ब्रिटेन के बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। आइए जी कोस्ट टू होस्ट कंट्री, अब इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कह रहा है थ्रू द FDI बेनिफिट्स द होस्ट कंट्री आल्सो कॉस्ट टू द होस्ट कंट्री, इट्स कॉस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ
इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन, नेगेटिव इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन नेशनल सॉवरेंटी एंड ऑटोनॉमी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन क्या होता है जी, कहते हैं फॉरन एमएनसीज हैव मोर कॉम्पिटेटिव एबिलिटीज इन व्यू ऑफ दियर लार्ज साइज, रिसोर्स बेस एंड वाइड स्प्रेड ऑपरेशन देन दी डोमेस्टिक कंपनीज। ऑब्वियसली बात है, डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, एमएनसीज जो होती है बड़ी होती है, उनके पास रिसोर्सेज बड़े होते हैं ना, साइज बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है जी, कहता है हेंस दे पोज सेवर कंपटीशन एंड थ्रेट टू द डोमेस्टिक कंपनीज। और एमएनसी क्या करते हैं फिर, इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेवर कंपटीशन हो सकता है और छोटी छोटी कंपनियों पे वो थ्रेट बन सकते हैं। क्या रहा है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द फॉरेन कंपनीज अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट होस्ट कंट्री इन थ्री वे, तीन वे है जिसकी वजह से क्या होता है बीओपी नेगेटिव हो जाता है। आइए देखिए, कह रहा है फॉरेन कंपनीज रिपेट्रिएट एंड द डिविडेंड टू द दियर इनकम टू दियर होम कंट्रीज एंड दैट अफेक्ट द करेंट अकाउंट। कोको कोला इनिशियली इन्वेस्टेड 18 मिलियन इन इंडिया, कितना किया जी 18 मिलियन एंड इट ट्रांसफर्ड यूएस 54 मिलियन टू दी यूएसए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स बिफोर 1977। द फॉरेन फर्म्स में परचेज एंड सेल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट दैट अफेक्ट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या बोलता है, फॉरेन फर्म्स क्या करेगा, परचेज करेगा और सेल करेगा किसको, मशीनरी को, इक्विपमेंट को, जिससे कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन, सॉरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एमएनसी इन द होस्ट कंट्री इंपोर्ट द गुड्स एंड इट्स सब्सिडरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, कहता है दीज इंपोर्ट रिजल्ट इन अ डेबिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ होस्ट कंट्री एंड द जापानीज ऑटोमोबाइल ऑपरेटिंग इन द यूएसए एक्सटेंसिवली इंपोर्ट द कंपोनेंट्स पार्ट्स फ्रॉम द जापान एंड दीज इंपोर्ट सब्सटेंशियली रिजल्टेड इन द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन इन यूएसए। बोटा भाई साहब ऐसा है, जापानी मोटोबाइल क्या किया, ऑपरेट करता है यूएसए में और उसकी वजह से क्या हुआ, कंपोनेंट पार्ट्स जापान में बनने लगे और उसके बाद क्या हुआ कि ये इंपोर्ट जो हो गया एडवर्स इकोनॉमिक शो करने लगा। हाँ जी, अब आ जाइए थर्ड क्या कह रहा है जी, थर्ड कह रहा है नेशनल सॉवरेंटी एंड ऑटोनॉमी, कह रहा है सम ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट फियर एफडीआई एज इट अफेक्ट्स द सॉवरेंटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट द सम ऑफ द एमएनसीज डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज। लीजिए जी, ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर समाप्त, है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप खुश रहें, आबाद रहें, नहीं, और तब तक के लिए जय हिंद।